हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। आज हम बात करेंगे पंजाब में जो जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल का पेपर हुआ था, वो किस तरह पेपर आया था। तो आइए देखते हैं पेपर को। तो आपको इसी तरह वहाँ पे सॉल्व करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ले, 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, 0.25 यहाँ पे माइनस मार्किंग थी। तो आप देख सकते हैं बहुत इजी यहाँ पे ड्राफ्टमैन के लिए जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी पूछे गए थे। आप देख सकते हैं इसके स्टैंडर्ड डायमेंशन ऑफ ब्रिक, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व भी कराएंगे। आज हम इसलिए दिखा रहे क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था जो हमने पीडीएफ दे रखी। इसी तरह से आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जिन्होंने भी पीडीएफ ले रखी उन्हें बेनिफिट जरूर होगा। तो एक्सवेशन ऑफ सॉइल फॉर फाउंडेशन इज मेजर्ड इज, तो एक्सवेशन ऑफ सॉइल किससे मेजर करते हैं? मीटर क्यूब से। आपको पता होगा ये हमारे एस्टीमेट में मैंने सारे के सारे क्वेश्चन इसमें कराए हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग, विच टाइप ऑफ मैसनरी यूज वेल ड्रेस्ड स्टोन विथ शार्प स्ट्रेट एंड स्मूथ फेसेस, यानी कि जो इसमें क्या होती है हमारे पास, वेल ड्रेस्ड होगी, स्टोन शार्प होगा, स्ट्रेट स्मूथ फेसेस, उसको कहते हैं सबसे अच्छी बेस्ट। मैंने बताई थी आपको कौन सी एस्लर मैसनरी, मैंने आपको सॉल्व भी कराया था, उसमें भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी ये मैंने क्वेश्चन दिया है जो हमारी पीडीएफ है। आप देख सकते हैं इसमें सर्वे से भी क्वेश्चन रहे, थियोडोलाइट से इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉर्डिंग पर्पस। तो आप देख सकते हैं इसमें एंगुलर, लीनियर, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिप। तो आपको पता होगा थियोडोलाइट किस लिए यूज़ की जाती है, एंगुलर के लिए, और चैन किसके लिए, लीनियर अगर होता तो चैन या टेप के लिए यूज़ की जाती है। कंट्रोल लाइन मैप आर द लाइन कनेक्टिंग पॉइंट हैविंग, तो क्या सेम एलिवेशन, सेम एंगल, सेम। तो आप ये सब क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये सॉम के क्वेश्चन स्टार्ट हैं, ठीक है, म्यूनसिपल के लिए लोकल। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें ये बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे सॉम का क्वेश्चन है, डायरेक्टर सिंपली सपोर्टेड 10 मीटर स्पान है भी यूडीएल 8 मीटर। तो बैक्सियम बेंडिंग मोमेंट क्या करोगे आप, इसमें क्या लगा है आपके पास, यूडीएल लगा है सिंपली सपोर्टेड मोमेंट, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 करोगे जैसे ही आप, उस हिसाब से आप रखिए, एल को 10 रखिए, डब्ल्यू आपका 8 हो गया, बाई 8 कटा तो आपके पास 10 बचा, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे सॉइल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार देखिए हमने क्या कर रखा जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए आपके पास, अभी बता देंगे हम लास्ट को कुछ हमने नया कर रखा सर्वे, ठीक है, आरसीसी के क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन भी पूछा गया, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट से, ठीक है, ये स्लेंडरनेस रेशियो आरसीसी का क्वेश्चन। टाइम मेंबर इन अ स्टील ट्रस इज टू, ठीक है, द सरफेस कोर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट जनरली, यानी कि हाईवे से पूछा गया है या आपके पास सोम से पूछा गया है। फिर आपके पास यहाँ पे सोम का क्वेश्चन आया हुआ है, एस्टीमेट का क्वेश्चन आप देख सकते हैं इसमें, बिल्डिंग प्लानिंग का क्वेश्चन है इसमें, यहाँ पे जिप्सम यानी कि बिल्डिंग मटेरियल का क्वेश्चन, यहाँ पे सेल्फ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट कौन सा होता है ओपीसी में, आपको पता होगा जो लाइम होता है आपके पास मेन इंग्रेडिएंट होता है, लाइम, फिर सिलिका, फिर एल्यूमिनिया, ठीक है, सीमेंट में। तो देखिए आप अच्छे से हमने नोट्स भी पढ़ते रहिए और जो मैंने पीडीएफ दे रखी उसको भी पढ़ते रहिए। सेल्फ सेफ बियरिंग कैपेसिटी इक्वल टू, अब सेफ बियरिंग कैपेसिटी का आपके पास ये सॉइल से क्वेश्चन है यानी कि फाउंडेशन से, ठीक है, तो ये भी फाउंडेशन से। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन किसने दिया है, जैसे रैंकाइन ने दिया है, किसने दिया है, रिनॉल्ड ने दिया है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, देखिए रैंकाइन ने यहाँ पे। तो यह हमारे पास ये एस्टीमेट का क्वेश्चन है, प्लिंथ एरिया 300, तो ये एस्टीमेट का आप देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है, मीन्स ये सब मैंने आपको कराया है। फ्रूट प्रेशर किससे मेजर किया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 30 यहाँ पे क्वेश्चन है टैग के, जो बहुत अपने पे बड़े रहते हैं, ठीक है। इस बार हम देखिए क्या करेंगे, आपको बता देंगे। देखिए यहाँ पे बात करें तो हम इसमें पंजाब की जीके भी आई हुई है, नेशनल की जीके भी आई हुई है, ज़्यादातर पंजाब के क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपके पास, ठीक है। हैदराबाद जैसे कि आपको पता होगा, नेशनल की भी यहाँ पे पूछी जाएगी। ज्योग्राफी आपके पास मेन यहाँ पे पार्ट रहने वाला है, ये आपके पॉलिटिक्स से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास मैथ से यानी कि एप्टीट्यूड से क्वेश्चन ये रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपके पास बेहतर करना है तो आपको पेपर को एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी ये पेपर निकलेगा आपका, ठीक है। तो हम भी आपको बता देंगे किस सब्जेक्ट से कितना आया है सिविल में, वो भी हम 30 मार्क्स के लिए लड़ाई करेंगे, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये टोटल मिला के 100 मार्क्स का ये पेपर रहा है, ठीक है।
तो आप अपना बेस्ट दे सकते हैं, फिर भी बता दे तो आपको। देखिए वो पीडीएफ में हमने कौन कौन से आपके पास दिए थे आपको पता होगा, ठीक है। जिसने भी पीडीएफ नहीं लीजिए वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ ले लीजिए, ओके। तो देखिए आपके पास बता दे तो आपको हमने कौन कौन से उसमें इंक्लूड करे थे, बीएमसी, ठीक है, रेलवे, कैट के क्वेश्चन हमने दिए थे, ठीक है, अभी जो ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, इरिगेशन के, ठीक है, सर्वे के, और रोड के यानी कि हाईवे के, ठीक है, और वाटर सप्लाई के यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के, फिर आरसीसी के दिए थे, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग के, ठीक है, प्लस प्लस हमने क्या करा था, जो यूट्यूब में आपके पास क्या हो रही थी, जो भी हमारे पास क्वेश्चन के एमसीक्यू हो रहे थे उसके हमने पीडीएफ दी थी, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन वहीं पे मिलेंगे यूट्यूब के, ओके। पीडीएफ में कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पहली बात। प्लस उसके बाद हमने मॉक दिए थे आपको चार, ठीक है, चार मॉक दिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप करके तो जाइए इसको, ठीक है, मॉक तो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर बात कर लें हम इसमें, ठीक है। तो इतने दिए थे, जैसे कि हमारे पास जिस सिलेबस में अभी आपने देखा होगा, एक हमने सॉइल नहीं दिया है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर का नहीं दिया है, ठीक है, स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर भी देख लेंगे हम। प्लस हमने यहाँ पे सोम का भी नहीं दिया था, यानी कि आपके पास बता देते हो हम, ठीक है, एक ये नहीं दिया है हमने अभी, एक ये नहीं दिया है आपको, एक हमने सोम का नहीं दिया है। तो ये जो तीन है आपके पास, ये हमसे पीडीएफ आप मांग लीजिए एमसीक्यू की, ठीक है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप देखना, डायरेक्ट वहीं से आएंगे क्वेश्चन, ओके। तो आप परसों का आप रिव्यू देखिए 25 तारीख का, इनसे ही क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते तो आप बताइए ज़रूर हमको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, सोम के लिए ये तीन आप पीडीएफ मांग लीजिए, जिसने भी नहीं मांगी है पीडीएफ, जिसको भी चाहिए, ठीक है, वो आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज करके आप पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए पेड रहेगी, वो पेड इसलिए कर रखी क्योंकि साफ सी बात है, हम ऐसे भी दे सकते थे पीडीएफ को, ओके, फ्री में, ठीक है, आपको मिल भी जाएगी। तो क्या करेंगे हमने पेड इसलिए कर रखी क्योंकि आप पढ़ाई करोगे इस वजह से, ठीक है, तो आप इसी चक्कर से आप पढ़ाई भी करोगे, अगर आपके पास पैसा खर्च होगा तभी आप पढ़ाई करोगे, नहीं तो पेड क्या होता है इसलिए करा जाता है क्योंकि स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे करके, नहीं तो आपके पास ऐसे भी दे सकते हैं फ्री में। फ्री की चीज़ें आदमी कुत्ता समझता है, पहले सोच लीजिए, ओके। तो आप इस तरह से आप पेपर देख सकते हैं पैटर्न, और आपको अब थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया होगा जो हमने पीडीएफ दे रखी, इसके रिलेटिव भी आप देखना यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे, यहीं से हमने आपको पेपर भी दिखा दिया जूनियर ड्राफ्टमैन का। अगर जिसको भी जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए, ठीक है, जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए जिसको भी वो चाहिए तो हमको बता देना पीडीएफ, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो 26 तारीख से जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी बता दें आपको यूकेपीएससी के लिए बोल लेते हैं ड्राफ्टमैन के लिए, वो अगली वीडियो में आप इंतज़ार करिए, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।